समझौता नहीं बहस है। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। सुप्रीम पावर न्यूज को मिल रहे आपके स्नेह और प्यार के लिए सुप्रीम पावर न्यूज टीम आपकी आभारी है। तो आइए बने रहे सुप्रीम पावर न्यूज के साथ और देखे आज की प्रमुख खबर। मध्य प्रदेश के शहडोल से आज से जनस्मिता अभियान का हुआ शुभारम्भ। जिला शहडोल मध्य प्रदेश में अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी आज बेवारी पहुंचे, जहां विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं से मुलाकात एवं बैठक कर रणनीति तैयार की गई और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि विंध्य के लोगों की अस्मिता को लेकर यात्रा की जा रही है। यात्रा का आचरण आचरण में जन जागरण किया जा रहा। सरकार से मांग है कि गोबर प्लांट की स्थापना, संयुक्त आयोग का गठन, पृथक विंध्य प्रदेश की मांग, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की गई। शुभम पैलेस शहडोल में कल 11 बजे दिन से 4:30 बजे दिन तक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्लॉक संयोजक अरुण तिवारी ने प्रेस को बताया कि इस उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेवारी से सैकड़ों कार्यकर्ता कल सुबह 8 बजे शहडोल के लिए रवाना होंगे और पृथक बिंदु के मांग को लेकर शहडोल के शुभम पैलेस में भाग लेंगे और बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में कुशल प्रसाद सोनी, नीलेश गुप्ता, राजमणि साकेत, राजेश पटेल, अनिल समदरिया, पवन सिंह, राजेंद्र लोनी, विजेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए शहडोल बेवारी से दुर्गेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ये हेडलाइन का ये चार चार कलम लिख देते, बहुत योग्य है, अभी फंसे हुए हैं, यही कहीं होते ना। एक लड़का इन्हीं के लड़का तब गुजरात में इसमें चीफ ब्यूरो, आज हमारे और अखबार चलते हैं और 1.5 लाख का काफा। हम अभी जो ग्रामीण के लोग हैं फंसे हैं, ये होशियार ज्यादा हैं, मगर दिक्कत ये है कि इनकी सीमा ही इतनी तय है। यहाँ अखबार उखबार नहीं है, यहाँ भी चापलूसी है। अखबार के मालिक ये चाहते हैं कि हम जो चाहें तुम करो, अभी जो चाहें।